हुनर और मयंक भी पहुंच गए हैं विशेष का पिटारा लेकर अनु जी के लिए, तो कितनी रील और कितने रियल, क्या क्या है मन में, क्या ख्याल है? रील और रियल सबसे पहले तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा शो है और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट मैंने कुछ एपिसोड्स देखे और मुझे बहुत पसंद आया. क्या रील और क्या रियल, अब ये रियल है जो लोग देखते हैं और सीरियल में वो रील है. मीता बासु दैट्स रील, जो मैं पटियाला वेब्स में हूँ. अक्सर दुनिया हमारी जो हम हैं वो किरदार के पीछे छुप जाता है क्योंकि हम एक किरदार प्ले करते हैं सीरियल के अंदर, तो फिर दुनिया को ये नहीं पता चल पाता है कि हम एक्चुअल में क्या है, रियल क्या है. तो मैंने जैसे कुछ एपिसोड्स देखे तो काफ़ी ऐसे जो आए थे वहाँ पर, तो उनके बारे में काफ़ी कुछ मुझे पता चला. जैसे व्हेन आई वाज हियरिंग एली टॉकिंग, व्हेन आई वाज हियरिंग अदर एक्टर्स टॉकिंग, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई केम टू नो एंड अबाउट देयर पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाट रील एंड रियल इज़ ऑल अबाउट इन फैक्ट. सो दो सीजन हो गए, सक्सेसफुल थे, very very happy, and I'm here for the season 3 ka launch, and I'm really really happy for Anu ma'am, and I've come here for Anu ma'am, and many many congratulations to her for that. Thank you. Done. Thank you.